पूर्व भाजपा सांसद राम टहल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब ये कहा जा रहा है कि शायद रांची से उन्हें टिकट मिल सकता है और कांग्रेस उन्हें ही चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि इससे पहले सुबोध कांत सहाय का नाम जरूर सामने आ रहा था और ये कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस की ओर से सुबोध कांत सहाय को रांची से टिकट मिल सकता है और वही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब राम टहल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थामा है तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि राम टहल चौधरी रांची से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं तो कह सकते हैं कि डील हो चुकी है और आने वाले समय में चीज़ें जो है वो स्पष्ट होगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से 4 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है और सभी की नज़र टिकी हुई है कि आखिर कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कब होगी। इस वक्त हमारे सहयोगी रंजन जी हमारे साथ मौजूद है। ये माना जा रहा था कि रांची से सुबोध कांत सहाय को कांग्रेस आगे कर सकती है, अब राम टहल चौधरी कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि डील हो चुकी होगी कि अगर वो कांग्रेस का दामन थामते हैं तो आने वाले समय में उन्हें ही रांची से टिकट मिलेगा। देखिए, कुछ न कुछ तो बात ज़रूर हुई होगी, नहीं तो आज के समय में और आज की राजनीति को अगर आप देखिए तो कोई इसी तरह से कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में राम टहल चौधरी ने अगर पार्टी ज्वाइन की है तो कुछ न कुछ बात तो ज़रूर हुई होगी। अब देखना यह है कि ये बात इस लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है या आगामी विधानसभा चुनाव में राम टहल चौधरी के बेटे जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये बातें भी हो सकती हैं कि वो वहाँ पर उनका फ्यूचर जो है वो सेफ करना चाहें। लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो राम टहल चौधरी के ऊपर कांग्रेस फोकस कर सकती है और वो इसलिए कर सकती है कि जो जातीय संतुलन बिठाने का प्रयास हो सकता है। रांची जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वहाँ मुस्लिम आबादी जो है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 15% के आसपास हैं और जो महतो वोटर्स हैं वो 12% के आसपास हैं। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो लगभग 27% जो है वो इकट्ठा एक जगह पर हो जाता है। तो हो सकता है कि इस इक्वेशन को जो है बिठाने के लिए राम टहल चौधरी को रांची से जो है वो उतारा जाए। तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख जो है आपको उनके सजातीय वोटर हो गए, 3 लाख से ज़्यादा जो है वो मुस्लिम वोटर हैं, तो इकट्ठे जो है 5.5-6 लाख के वोट तो यहीं हो जाता है। तो इस वजह से हो सकता है कि राम टहल चौधरी को वरीयता दी जाए लोकसभा चुनाव में। अच्छा, ये भी वजह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा गया था पिछले चुनाव में कि एज फैक्टर है और यही वजह थी कि राम टहल चौधरी को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में नहीं उतारी थी। अब वो कांग्रेस का दामन थामे हैं तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब हम लोग इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो कांग्रेस गए हैं तो चुनाव लड़ेंगे, यानी कि सुबोध कांत सहाय का नाम कहीं ना कहीं अब कटता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि देखिए, सुबोध कांत सहाय का नाम हम इसी तरह से आउटराइट ये नहीं कह सकते कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो दिल्ली दरबार है, जो आला कमान है, वहाँ बहुत अच्छी पैठ है और आप जो कहते हैं कि गांधी फैमिली के नज़दीकी माने जाते हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और इन्हें एक मेहनत करने वाले नेता के तौर पर जो है वो आलाकमान देखता है। 3 बार रांची से वो सांसद रहे हैं, 1989 में हालांकि जनता दल के टिकट पर वो सांसद बने थे, लेकिन फिर 2004 और 2009 में वो कांग्रेस के टिकट पर रांची से सांसद बने और उसके बाद केंद्र में वो मंत्री भी बने। इसके अलावा जब चंद्रशेखर सरकार थी तो उस समय भी वो मंत्री थे सुबोध कांत सहाय। तो इन चीज़ों को देखें तो उनका एक अनुभव है और जिस तरह से इतने दिनों से वो कांग्रेस में जो है वो एक ही जगह पर बने हुए हैं तो ये भी हो सकता है कि उनका टिकट काटना इतना आसान नहीं होगा। और ये दिलचस्प था कि जब राम टहल चौधरी की एंट्री हो रही थी कांग्रेस में तो उन्हें गुलदस्ता देने के लिए सुबोध कांत सहाय भी वहाँ मौजूद थे। तो ये चीज़ें जो है एक आप कहते हैं कि अच्छे जेस्चर में देखा जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, कोई आपकी पार्टी में आ रहा है तो आप उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक टिकट की बात है ये टिकट फंस तो जरूर गया है। क्योंकि करिश्मा, अगर देखिए जिस तरह से 3 लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए, चाहे आप लोहरदगा की बात कर लीजिए, खूंटी की बात कर लीजिए और एक जगह हजारीबाग, तो 3 जगह जो है वो घोषित हुए। अगर रांची में कोई जिच नहीं होता तो 4th नाम जो है रांची का आ जाता। तो अब अगर रांची से लोकसभा प्रत्याशी अगर कांग्रेस ने जो है वो नहीं बताई है तो इसका मतलब ही है कि कुछ ना कुछ तो मामला फंसा हुआ है। राम टहल चौधरी की बात करेंगे तो 5 बार
वो सांसद रहे हैं, और ऐसे में अगर आपने जिस तरीके से कहा सुबोधकांत सहाय का, तो वो भी 3 बार सांसद रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि सुबोधकांत सहाय तमाम चीज़ों को वहाँ पर देख लिए हैं? क्या आला कमान से उनकी बातचीत हो गई है? क्योंकि अब तो यही कहा जा रहा है कि अगर राम टहल चौधरी कांग्रेस का दामन थामे हैं तो वो रांची सीट नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैं अभी इस बात पर जो है ये कंफर्म नहीं हूँ, चूँकि सुबोधकांत सहाय भी जो है कांग्रेस में एक स्थापित नाम है और इतने सालों से हैं, तो उनकी जो है एक अपनी पहचान है, अपना वजूद है, और रांची लोकसभा क्षेत्र को चूँकि वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं के बीच में कह लीजिए, वोटर्स के बीच में कह लीजिए, सजातीय वोटर्स उतने भले ना हो, इसका मतलब ये है कि जब वो जीते और इतने वोट वो लेकर आए तो उन्हें अन्य जातियों का भी वोट मिला है, तो इस तरह से वो अपने आप को एक स्थापित नेता के तौर पर जो है वो अपनी पहचान बना चुके हैं, तो आप उन्हें आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकती। अभी भी मामला फंसा हुआ है, इंतजार कीजिए कि रांची में जब कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा करता है तो किसका नाम आएगा। तब तक जो दोनों के समर्थक हैं, चाहे राम टहल चौधरी के समर्थक हों, चाहे सुबोधकांत सहाय के समर्थक हों, कांग्रेस में उनकी धड़कनें तेज रहेंगी और उन्हें दिल थाम कर जो है वो इंतजार करना चाहिए। देखिए, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने कांग्रेस का दामन जरूर थामा है, लेकिन दूसरी ओर यही कहा जा रहा है कि सुबोधकांत सहाय जो है वो चुनावी मैदान में उतरने वाले थे, लेकिन राम टहल चौधरी के आने के बाद शायद उनका पत्ता कट सकता है। अब देखिए, आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी जब कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की नाम की घोषणा होगी। सभी की निगाहें टिकी हुई है और लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर कांग्रेस की ओर से एक और लिस्ट जारी होगा, जिसमें 4 लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन उम्मीदवार उतरने वाला है, इसको लेकर चीजें स्पष्ट होगी। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।